तो ये सारी बात हो गई है हमारी प्रोसेसर्स के ऊपर, सही है। ठीक है, हमने बात कर ली है सारे के सारे प्रोसेसर्स पे। अब जीपीयू की तरफ चलते हैं, जिसके ऊपर अभी तक हमने कोई बात नहीं की है। ठीक है, जीपीयू पे तो यार जीपीयू भी जो सा है ना, मल्टीपल चीज़ें मैटर करती हैं जीपीयू वगैरह में भी, ठीक है। तो हमारे पास जीपीयू जो सा है वो अलग अलग सीरीज में आता है। सही है। एनवीडिया के क्वाड्रो सीरीज है और जीफोर्स सीरीज है, या फिर आप कह रहे हैं कि एमएक्स सीरीज आती है, ठीक है, एएमडी की डब्ल्यूएक्स सीरीज है। तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के कार्ड हैं, हर कार्ड की अपनी स्पेसिफिक जिसे कहते हैं स्पेसिफिकेशंस होती हैं, सही और है। काम के लिहाज से ग्राफिक कार्ड भाई देखना पड़ता है। अब हमारे बड़े जो से हैं यहाँ पे, ज़्यादातर लोग क्या प्लान में करते हैं, यार गेमिंग लैपटॉप लेंगे, वीडियो एडिटिंग भी हो जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। सही, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात है, पहली बेसिक बात बता दी आपने। पहली बेसिक बात है, सही है। गेमिंग लैपटॉप ले लिया, वीडियो एडिटिंग भी करेंगे, नहीं भाई नहीं होना। या फिर अगर एडिटिंग सीरीज का कार्ड ले लिया, गेमिंग भी साथ चलेंगी। हाँ तो कार्ड दो अलग अलग सीरीज के होते हैं, हर कंपनी ने अलग अलग सीरीज, अब एक ही कंपनी है वो दो सीरीज में कार्ड क्यों लॉन्च करेगी, सही। ठीक है। तो दो सीरीज में कार्ड लॉन्च करने का रीज़न है। इसी तरह से जैसे अगर मैं अब लेट्स से रेंडरिंग सीरीज की बात कर लूँ एनवीडिया की तरफ से, तो एनवीडिया रेंडरिंग सीरीज में भी आके फर्दर दो सीरीज के कार्ड लॉन्च करता है। एक होता है एनवीडिया की क्वाड्रो सीरीज और एक होती है एनवीडिया की जो सी है वो क्वाड्रो की 600 सीरीज। अब क्वाड्रो में एक नीचे 600 सीरीज है, एक 1000 और अपर सीरीज है। 1000 अपर सीरीज के कार्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, 600 सीरीज के कार्ड लो होते हैं। सिंपल, ठीक है। 2 GB कार्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आता है 600 सीरीज, और कभी कभी 4 GB कार्ड में जो सा है, जैसे कि एनवीडिया क्वाड्रो 620 जो सा कार्ड है वो 10th जनरेशन के लैपटॉप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ आपको नज़र आ जाता है, और 4 GB क्वाड्रो कार्ड है और स्लिम मशीन, इस तरह की स्लिम मशीन में लगा होता है। तो ये हो गया क्वाड्रो सीरीज का कार्ड। अब इसमें भी आगे जिनसे रहते हैं टाइप होती है, और जिनसे G4 सीरीज का कार्ड है उसमें भी दो सीरीज के कार्ड हैं, एक जिनसा है MX सीरीज का कार्ड आ गया और एक GTX सीरीज का कार्ड आ गया। ठीक हो गया। तो ये भी G4 सीरीज का कार्ड आ गया। अब G4 सीरीज के कार्ड गेमिंग सीरीज के लिए होते हैं, जिनसे GTX है वो हाई एंड गेमिंग के लिए, और जिनसे MX है वो लो एंड गेमिंग के लिए। ठीक MX है। सीरीज का कार्ड आपको इस तरह की स्लिम मशीन में नज़र आता है, जबकि GTX सीरीज का कार्ड आपको थोड़ी फैट और वर्क स्टेशन मशीनों में ही नज़र आता है। MX सीरीज का कार्ड यू सीरीज के साथ भी पेयर हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से एनवीडिया के क्वाडो की 600 सीरीज का कार्ड जो है वो यू सीरीज के साथ भी पेयर अप हो जाता है, जबकि जो है 1000 और अपर सीरीज के कार्ड हैं वो आपको सिर्फ एच और हाई मशीन में ही नज़र आते हैं। तो ये तो कार्ड होगी। अब कार्ड की टाइप को मैं इजीली डिफाइन कर देता हूँ, एक होता है रनिंग सीरीज और एक होता है गेमिंग सीरीज का कार्ड। जब आप कुछ गेम प्ले करते हैं ना, ठीक है, तो लेट्स से कि आपका जो सा ग्राफिक कार्ड है उसकी कैपेसिटी है वो 50 FPS लोड कर सकता है। अब 50 FPS अच्छे खासे फ्रेम रेट होता है। अब ठीक है। 50 FPS आपके ग्राफिक कार्ड की कैपेसिटी है, और आप चेक करें कि आप जो सी गेम प्ले कर रहे हैं वो 60 FPS सपोर्ट करता है। 60 FPS वाली आपने 60 FPS वाली गेम प्ले कर ली। ठीक है। अब 60 FPS वाली गेम का क्या चक्कर है, कि ये समझे ये आपके सारे FPS हैं जो से साथ साथ लगे हुए हैं। सिंपल, मैं मल्टीपल FPS लगा रहा हूँ। कितने हमें 60 के लिए 6 चाहिए होंगे, 7 चाहिए, चलो मैं एक इसको उठा देता हूँ। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है, अब ये देखें, ये समझे 10 10 FPS एक है। अब ये 10 हैं, ये भी 10 हैं, ये भी 10 हैं, ये भी 10 हैं, ये भी 10 हैं। तो ये 10 10 FPS, आप सीधा एग्जांपल ले लें, आपने गेमिंग वाला ग्राफिक कार्ड लिया, आपने गेम प्ले करनी है। अब ये है एनवीडिया की जी फोर सीरीज का कार्ड, इस तरीके को कैसे हैंडल करता है और क्वाडो कैसे हैंडल करेगा वो बता देता हूँ। तो ये जी फोर सीरीज का कार्ड है, जी फोर की सीरीज ने क्या करना है कि रैंडमली दरमियान में से, लेट्स से उसने गेम प्ले आपने कर ली है, उसने दरमियान में से ना 10 FPS को छोड़ देना जी फोर से कार्ड। जी फोर्स के। उसका आर्किटेक्चर इस तरह का बेस है कि उसने क्या करना है कि पहले 30 FPS लोड कर लिए, बल्कि 30 तो नहीं, उसने पूरे 30 तो नहीं करने थे, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे दरमियान में से एक निकाला है। उसने क्या करना है कि हर कुछ वक्फे के बाद दरमियान में से एक आधा फ्रेम बीच में से निकाल तो डिले आएगा, डिले नहीं आएगा। ये तो चक्कर है कि गेमिंग सीरीज के कार्ड में डिले नहीं आता। डिले आता कैसे, आप खुद एग्जाम्पल लगा लें। लेट्स से कि मैं कोई गेम प्ले कर रहा हूँ, मेरा जो सा ग्राफिक कार्ड है वो क्या करता है, वो सारे फ्रेम रेट्स, अब ग्राफिक कार्ड 50 FPS सपोर्ट करता है और जो सा गेम है वो 60 FPS वाली हम प्ले कर रहे हैं, तो दरमियान में से 10 FPS तो छोड़ने छोड़ने, क्योंकि वो ग्राफिक कार्ड की कैपेसिटी से बाहर है। ठीक है। हैं, तो क्या करता है कि अगर मेरा ग्राफिक कार्ड ही ऐसा हो कि वो क्या करे, एक बाय एक कोई भी फ्रेम छोड़े बगैर सारे फ्रेम्स को प्ले करे, तो आपकी गेम बैकग्राउंड में 60 FPS पर चल रही है, फोरग्राउंड में आपके 50 FPS रेंडर हुए हैं। अब 50 FPS अगर आपके सारे शुरू वाले हो जाए, मतलब लेट्स से मैं इस तरह से शुरू करता हूँ, तो आप ये देखें
कि पहले 10 फ्रेम भी सही लोड हो गए, अगले 10 भी, अगले 10 भी, अगले 10 भी, अगले 10 भी, तो ये हो गया एक सेकंड, एक सेकंड कंप्लीट हो गया। FPS का मतलब होता है पर सेकंड, एक सेकंड में इतने फ्रेम्स करने हैं। फ्रेम अब पर सेकंड ग्राफिक कार्ड तो 50 कर सकता था, उसने तो पहले 50 कर लिए भाई। ठीक है, पहले 50 के बाद ये उनसे आखिरी 10 फ्रेम है, इसको कहाँ पे करना है। अगर आपका ग्राफिक कार्ड फ्रेम रेट स्किप करना ही नहीं जानता है, तो उसके सिनेरियो में क्या होगा कि आपकी गेम हर सेकंड 10 फ्रेम रेट पीछे चले जाएगी। ठीक है, मतलब गेम असल में बैकग्राउंड में प्रोसेसर जो सा है वो ज़्यादा चला रहा है, जबकि ग्राफिक कार्ड जो सा है वो कम रेंडर कर रहा है। ठीक है, तो आपको हर एक सेकंड के बाद 10 फ्रेम रेट का डिले नजर आएगा। और आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि 10 के ऊपर हम 60 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप एवरेज हर मिनट में आपके गेम 6 सेकंड पीछे वाला, आपकी गेम जो से ना फ्रेम 6 सेकंड पीछे वाला फ्रेम रेट लोड कर रहा होगा, सामने आपको जो नजर आ रहा होगा, और जो गेम प्ले हो रही होगी वो 6 सेकंड आगे वाली चलनी होगी हर मिनट में। और सोचिए हर मिनट में अगर आपका गेम जो सी है वो 6-6 सेकंड पीछे जाती रहे, 20 मिनट की गेम है आपके फ्रेम रेट, तो वो पता नहीं पीछे कहाँ पे अटक रहा होगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं लैग। लैग सही, ये वही चीज़ है जो लैग है। लेकिन गेमिंग सीरीज के कार्ड क्या करते हैं, वो क्या करते हैं दरमियान में से रैंडमली कहीं से भी उन्होंने कोई फ्रेम रेट बीच में से छोड़ दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ कि आप गेम रियल टाइम वॉच कर पा रहे हैं। सही है, एक फ्रेम मिस हुआ है, एक फ्रेम मिस होता पता नहीं लगता भाई, 6-7 इकट्ठे हों पता लगता है कि हाँ गेम रुकी है। सही है, ठीक है। तो वो जो से गेमिंग सीरीज के कार्ड है उनका आर्किटेक्चर इस तरह का बेस है यार, ये जो सा है ये दरमियान में से रैंडमली एक फ्रेम स्किप कर देंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आपके 50 फ्रेम रेट रेंडर किए जा सकते थे, इन्होंने हर 4-4, 5-5 फ्रेम के बाद एक एक फ्रेम छोड़ा, और जब एट दी एंड जब आप 60वें फ्रेम पे पहुंचे हैं तो गेम भी उसी लेवल पे चल रही है, आप भी सेम फ्रेम देख रहे हैं। सही, जहां पे उसको लैग उसे लगेगा लैग आने वाला है वो एक फ्रेम छोड़ देता है, अगले फ्रेम को पिक कर लेता है ताकि आप गेम रियल टाइम में वॉच कर सकें। सही, जो प्ले कर रहे हैं, जबकि रेंडिंग सीरीज का कार्ड है उसका तो काम एडिटिंग का है, उसने तो पिक्सल बाय पिक्सल पूरा एडिट करके जाना है, उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ना। तो रेंडिंग सीरीज के कार्ड में जब आप गेम प्ले करते हैं तो आपको सीधा सीधा लैग नजर आता है। सही, चाहे अब मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपके पास 4GB का कार्ड है एनवीडिया के क्वाड्रो सीरीज का, और आप उसके ऊपर अपनी गेम लोड करते हैं, और दूसरी तरफ 2GB का कार्ड है GeForce सीरीज का। अब क्वाड्रो सीरीज का कार्ड जो सा है वो कैपेबल है, ऑफकोर्स पावरफुल है, ज़्यादा फ्रेम रेट जरूर सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन 2GB कार्ड वाला कम फ्रेम रेट्स के साथ भी आपको रियल टाइम गेम वॉच करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि एनवीडिया क्वाड्रो में नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें वो फ्रेम रेट स्किप नहीं, मैंने एज ही सिंपल, मुझे लग रहा है थोड़ा हार्ड है लेकिन एज सिंपल एज पॉसिबल एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, ग्राफिक कार्ड जो सा है वो टाइप बड़ी मैटर करती है। अब एडिटिंग के लिए ये जो सा कार्ड है ना, अब बल्कि इसमें कार्ड ही नहीं लगा, लेट्स एज्यूम कर लेते हैं ये गेमिंग सीरीज का कार्ड है, क्योंकि ये देखें इसमें GTX लगा हुआ है 1650 Ti। इसके अंदर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, जो सा मेरे पास इस तरह वाला डेल है, ये क्वाड्रो सीरीज का कार्ड है। ठीक है, तो इसका अंदर जो सा कार्ड है ना, ये एडिटिंग पर्पज़ के लिए बना, एडिटिंग पर्पज़ के लिए, ये स्लो जरूर चलेगा, टाइम लेगा, काम पूरा का पूरा करके ही उठेगा। ठीक है, क्वाड्रो सीरीज के कार्ड इस तरह के होते हैं, और यही चीज़ हमें चाहिए होती है एडिट करते वक्त। आपको कैसा लगेगा कि यार जो सा आपका ग्राफिक कार्ड का आर्किटेक्चर है वो आपके रेंडर टाइम में मसला करें, दरमियान में से आपको पता लगे सारा रेंडर करते करते अचानक ये दरमियान में कुछ एरर्स आ गए, क्यों, ग्राफिक कार्ड दूसरी टाइप का था। सही सही सही, हाँ। अब जी फोर्स वाले पर रेंडरिंग करेंगे तो वो उसमें स्किप करने हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि जी फोर्स के जो से कार्ड है ना, ग्राफिक कार्ड, उसमें एक चीज़ का और मेजर फर्क आता है एज कम्पेयर टू क्वाड्रो। क्वाड्रो जो से हैं वो स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए डिजाइंड है। ठीक है, ये थ्रू आउट स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा होता है। ठीक है, जी फोर्स आपने सोचा है गेमर जो से गेम खेल रहे होते हैं वो अपने पीसी को कूल होने का टाइम भी देते हैं, क्यों देते हैं कि यार ये जो है ना ये हीट करता है, हीट करके बैठ सकता है, ये स्टेबल परफॉर्मेंस देता है। इसकी कैपेसिटी अगर ज़्यादा भी है ना, अगर इसमें एनवीडिया क्वाड्रो लगा, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा लगी हुई है, मतलब ज़्यादा भी है, ये इसको थोड़ा लोवर पे ही यूज़ कर रही है, इसको फुल यूज़ नहीं करता। गेमिंग में हमेशा आप ऑल आउट यूज़ कर रहे होते हैं। सही, और ऑल आउट का फ़ायदा ये होता है कि यार आप जो सी गेम है वो अच्छा प्ले कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स आपको जितना अच्छा कूलिंग सिस्टम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा, वो तो पीसी के सिनेरियो में अच्छा कूलिंग सिस्टम देते हैं, लैपटॉप में तो इस तरह नहीं किया जा सकता कि कूलिंग सिस्टम चेंज कर लिया जाए। सही सही, ठीक है, तो लैपटॉप वाले जो से हैं वो गेमिंग में अक्सर बैठ भी जाते हैं। सही, और क्वाड्रो जो सा है वो ऑलवेज आपको लगेगा कि यार ये स्लो चल रहा है, लेकिन ये स्लो की जगह जो ये स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है ना, कि आपके काम को करप्ट नहीं कर रहा, दरमियान में लैपटॉप शट डाउन नहीं कर रहा, वो चीज़ ज़रूरी होती है। आपने 2-2.5 घंटे लगाए हैं वीडियो आपने पूरी एडिट की है, रेंडर होने में 1 घंटा लगना है,
लैपटॉप के लिए एक घंटा बड़ा टाइम होता है, ऐसे ही दरमियान में कोई काम हो जाए ठीक है, दरमियान में आपका लैपटॉप जो सा है क्वाड्रो सी का कार्ड है ना, ये जल्दी ओवरहीट नहीं होता ना, तो दरमियान में आपका कार्ड जो सा वो ओवरहीट करे, लैपटॉप का टेम्परेचर ज्यादा ऊपर आवे और पीसी जो सा है वो सेफ शट डाउन करके उसको बंद कर दे, ठीक है, हैंग हो जाए, सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, दोबारा फिर सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए, क्रैश कर जाए, ऐसे मामला जो से हैं ये आपको जीफोर्स वाली साइट पे नजर आने वाले हैं। इसका एक बड़ा बेसिक सॉल्यूशन भी है, एनवीडिया की जो सी लेटेस्ट सीरीज है आरटीएक्स, आरटीएक्स हां आरटीएक्स समझे थोड़ा सा हाइब्रिड है, आरटीएक्स के अंदर अगर आप जीफोर्स ले लेते हैं ना, जैसे ये जीटीएक्स का जीफोर्स है, अगर आरटीएक्स का जीफोर्स ले लेते हैं तो ऑफ कोर्स आरटीएक्स का जीफोर्स जो है वो न्यू एंड पे जो से गेमर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बना हुआ है, ठीक तो है। RTX का जो सा GeForce कार्ड होता है उसका परफॉर्मेंस आप इस तरह ले सकते हैं कि यार उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन कर दिया कि अब जो से बंदे हैं ना जो गेम खेलते हैं वो अपनी वीडियोस एडिट करके अपलोड भी कर रहे थे भाई, तो उनको एडिट पावर भी चाहिए ही चाहिए, सही है ठीक है, तो एडिट पावर चाहिए तो उसमें आपको कुछ एडिटिंग सपोर्ट मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है RTX में, RTX सीरीज में पावरफुल कार्ड्स, RTX 2060 जो है 2050 है यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है 1050 वगैरह तो आपको पता है GTX 1060 जी जी 1000 2000 सीरीज से आपको RTX कार्ड शुरू हो जाते हैं, तो वो है आपके लिए एक बड़ा अच्छा जैसे कहते हैं ना सूटेबल ऑप्शन बन जाता है, जैसे गेमिंग भी करना चाहते हैं और हल्की फुल्की एडिटिंग करना चाहते हैं, लेकिन जो फुल टाइम एडिटिंग ही करना चाहते हैं ठीक है उनके लिए अभी भी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रो ही बचा है भाई, क्वाड्रो बचा है, RTX सीरीज का भी क्वाड्रो लॉन्च किया उन्होंने, RTX सीरीज का भी क्वाड्रो लॉन्च कर दिया, हाँ और RTX सीरीज के जो से क्वाड्रो है वो अभी भी गेम के साथ कैपेबल नहीं है, नहीं है, ऑफ कोर्स लेट्स से कि आप RTX सीरीज का क्वाड्रो कार्ड आपके पास और आप उसमें वो 70 फ्रेम्स पर सेकंड की गेम्स सपोर्ट करता है क्वाड और आप 60 FPS वाली गेम प्ले करेंगे आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई, ठीक है सही है, अगर आप उसकी पावर से कम वाली प्ले करेंगे ना फिर तो आपको वो फ्रेम रेट्स का लैग किसी में नजर आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है, अगर मैं 80 की करता हूं जी 10 ऊपर FPS कर लेता हूं मतलब 80 FPS करता हूं मेरा तो फिर आपको लैग नजर आएगा, ठीक है क्वाड्रो में सही है, ठीक है वहां GTX वाले में आप आपके पास 70 फ्रेम रेट से आपके कार्ड की सपोर्ट है और आप उसके ऊपर 120 भी फेंकते हैं ना वो दरमियान में से फ्रेम से स्किप करके गुजारा कर लेता है, ठीक हो गया सही है बेहतरीन हो गया वो उसमें गुजारा कर लेता है, लेकिन एडिटिंग में आपको पता सरफा कोई नहीं है, ऐसे ही एडिटिंग में आपने प्रोजेक्ट आपने पूरा कंप्लीट करना है, आपके पास 5 घंटे का टाइम था प्रोजेक्ट करने के लिए या फिर अगले दिन डिलीवर करना था, आपने 3-4 घंटे लगाए एडिट किया उसको रेंडर करने पे लगाया, रेंडर करते करते अगर आपका सीपीयू क्रैश हो जाए या दोबारा रेंडर एडिट करने थोड़ी ना बैठेंगे आप, ऐसे ही है तो वो मसला मसाला हो जाता है, प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर करना था, इसी वजह से ये जो से हैं ये स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन ग्राफिक कार्ड, अभी ग्राफिक कार्ड की टाइप बता दी है, अब मैं एक चीज़ और छोटी सी बता दूँ यार GeForce भाई सस्ता है, ये भाई सस्ता है नहीं ये वाला लैपटॉप नहीं सस्ता, मैं वैसे बता रहा हूँ कि GeForce चीज़ के कार्ड सस्ते होते हैं, आप डब्बा बैग में भी चेक करेंगे तो GeForce सस्ता है, क्वाड्रो महंगा है, ठीक इनके अंदर GPU सेम लगा होता है, अच्छा मतलब ग्राफिक कार्ड का भी अपना प्रोसेसर होता है ना अंदर, जी जी बाकी प्रोसेसर इसमें भी आपको सेम दोनों सेम चीज़ के कार्ड हैं, लेकिन जो सा क्वाड्रो है ना वो आपको तकरीबन 8 times हायर प्राइस पे नजर आएगा सेम GPU के साथ, 8 times higher की बात कर रहा हूँ, 8 times higher हाँ, मैं अंदाजे के तौर पे आपको लैपटॉप में भी बता दूँ, ये तो मैंने पीसी का बताया ना, लैपटॉप में आप आइडिया इस चीज़ से लगा सकते हैं कि गेमिंग सीरीज का कार्ड जो है इस वक्त पाकिस्तान में जो है HP Victus सबसे सस्ता है, जो कि आपको 2-10, 2-15, 20 में मिल जाता है, ये इतने में आपको 4GB कार्ड प्रोवाइड कर देता है, क्वाड्रो सीरीज का कोई भी कार्ड 7.5 lakh से नीचे नहीं है डब्बा बैग में लैपटॉप लैपटॉप में क्वाड्रो में, तो क्वाड्रो एक्सट्रीम पावर सही फॉर एडिटर्स मेन कीवर्ड्स याद रखें एडिटर्स नॉट फॉर द गेमर्स, और गेमर्स के लिए तो आपको पता है गेमिंग सीरीज के भी कार्ड इस सीरीज में आते हैं, लेकिन गेमिंग इस सीरीज में आपको एक अच्छे खासा GPU वाला मिल जाता है, मतलब आपके पास 7.5 lakh का बजट है आप 8GB ग्राफिक कार्ड वाली डब्बा पैक मशीन ले सकते हैं, तो जी तो क्वाड्रो साइज पर ये चीज़ नहीं है, क्वाड्रो में नहीं, क्वाड्रो महंगा है, महंगा है जाहिर, अभी उन्होंने बता दिया कि उनकी स्टार्टिंग ही 7.5 lakh में क्वाड्रो कितने GB तक आएगा, 4GB और एक आधा वेरियंट 6GB, ठीक है 4GB 6GB सर, जबकि आपको इसमें 8GB नॉर्मल मिलता है, और अगर आप ये 9 lakh तक का बजट ले जाए तो आपको 16GB ग्राफिक कार्ड वाले डब्बा बैग लैपटॉप नजर आते हैं गेमिंग साइड में, बेहतरीन है 16GB 4GB या 6GB चले बेहतरीन हो गया, ये तो हमारे GPU साइड पे कवर हो गया, अब आपने GPU अपने काम के लिए ऐसे देखना भाई, आपने गेम खेलनी है तो आप गेमिंग साइड पे चले जाओ, सही है, अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है तो भाई सिर्फ क्वाड्रो को हाथ डालो दूसरे को हाथ ही ना डालो, एडिटिंग करनी है एनिमेशन करनी है और
3D, 2D जो भी काम है, बल्कि 2D में तो ग्राफिक कार्ड चाहिए ना, 3D वगैरह के काम के लिए आपको यही बनता है। सिनेमा 4D यूज करें आप इस पे, क्वाड्रो सीरीज पे ये स्टेबल परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ठीक है, ग्राफिक कार्ड चाहे कम ही क्यों ना हो, ग्राफिक कार्ड चाहे कम ही क्यों ना हो, ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक हो गया, आपको पता ना आपका काम इसने करना है, चाहे स्लो करे, जितना मर्जी स्लो करे, काम करके उठेगा। तो वो चीज़ों से ना वो ट्रस्ट लेवल डेवलप करना होता है। ये भाई ट्रस्टेड है, ये गेम के लिए ट्रस्टेड हो सकता है, एडिटिंग के लिए नॉट ट्रस्टेड है। हाँ, बड़ा वाकया मुझे जहन में आया, हमारा जैसा एक है कज़न सलमान भाई नाम है, ठीक है, बल्कि मेरे पास नंबर शायद ना कोई बन नंबर दिखाने से क्या फर्क पड़ता है। सलमान भाई हैं, उन्होंने हमसे क्या कहा, उन्होंने हमसे कहा यार मुझे लैपटॉप चाहिए। उस वक्त अच्छी प्राइसेस चल रही थी, मैंने उनको 6GB कार्ड वाला उनसे लैपटॉप बना, हम बात कर रहे हैं 1660 Ti की, और मॉडल की बात कर रहे हैं लेनोवो का लीजन 5i7 10th generation H प्रोसेसर डब्बा बैग। ठीक है, 10th था या 11th था जो भी है, एच प्रोसेसर डब्बा बैग लैपटॉप उनको हमने लेके दिया, तब पूरे अच्छे होते थे, ये बात कर रहे हैं हम तकरीबन 2 साल पहले की। तो डब्बा बैग लैपटॉप उन्हें लीजन अरेंज करके दिया, ऑफकोर्स गेमिंग लैपटॉप उनसे हैं वो, मेरे पास वो नहीं था, उन्होंने कहा ये चाहिए, मार्केट रेट से 2,08,000 में हमने उसको लेके दिया। ठीक है, कौन सा 10th generation H प्रोसेसर, वैसे अब सेकेंड हैंड में इतने का आता है, इससे ऊपर आता है सही, ठीक है, लेकिन लीजन 5 उनको लेके दिया और 25वें दिन वो मशीन जल गई है। और क्या काम करते थे, आफ्टर इफेक्ट्स की अभी लर्निंग कर रहे थे, आफ्टर इफेक्ट्स की लर्निंग थी। उन्होंने उसी लैपटॉप को लेके, उससे पहले उन्होंने अपने स्टैंडर्ड लैपटॉप था उसके ऊपर उन्होंने वैसे ट्राई किया था, जिससे वो स्टार्टअप भी नहीं ले पाए थे वो, तो आफ्टर इफेक्ट्स पे 25वें दिन वो लैपटॉप जल गया भाई। डब्बा पैक लैपटॉप जला है, ठीक है, तो बॉक्स वैसे अभी भी हमारे सामने वाली शॉप पे पड़ा है, कोई क्लाइंट आएगा उसको भी दिखाई देंगे, अभी वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं। लेकिन डब्बा बैग लैपटॉप क्यों, 1650 GTX सीरीज का कार्ड था, 1650 Ti GTX में आता, क्वाड्रो में नहीं आता भाई। अच्छा। और वो उस पर 3D रेंडर का लोड डाल रहे थे और दिन में 8 घंटे यूज़ कर रहे थे। सही, तो ये देखे ना ये चीज़ें, ये क्वाड्रो बेस्ट रहता उनके लिए। हाँ, और यही अगर उसमें से छोटा 4GB कार्ड भी लगा होता ना क्वाड्रो, एटलीस्ट जलता तो जलता था ना, काम चलता थोड़ा सा स्लो चलता, आपको लग रहा था स्लो, काम चलता रहता, स्टेबल चलता। हाँ, अगर आपको कुछ वक्त चल भी जाता है, उनका तो चलो 3D एनिमेशन का काम था, आप चले वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, प्रीमियर प्रो वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद आपको ज़्यादा लंबा अरसा चल जाए। लेकिन वो कहते हैं ना क्या कहावत है, बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाएगी, ऐसे ही है, मतलब जिसका काम उसी को साझे, चल जिसका काम उसको सर है वो तो है ही है, लेकिन कब तक चल रहेगा आपको, अगर आपने उस पर धक्का मुक्की लेकर चला भी लिया है। तो ये हमने अब GPU साइड को कवर कर लिया, हमने CPU को कवर कर लिया, GPU को कवर कर लिया, RAM को कर लिया, SSD को कर लिया, अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू बाय अ लैपटॉप। अब आप कहेंगे सारी कुछ बातें करके बैंड पे, देखो मैं ये वैसे वो चीज़ है जिसके देखने के लिए कस्टमर शुरू से बैठा होगा कि यार लैपटॉप लेना है, लेना क्या, मैंने तो भाई सारी नॉलेज दे दी, ठीक है, इसके बाद डिसीजन आपका अपना फैसला है, लेकिन डिसीजन आपका अपना है, चीज़ चेक करनी भी तो आनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो अब हम चलते हैं चेक करने की तरफ, तो मैं इन दोनों को ऑन कर लेता हूँ। सही है, ये लैपटॉप सबसे पहले ऑन किया, सबसे पहले GPU वाले दिखाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास लैपटॉप चेक करने के जैसे कहते हैं ना एक दो तरीके अवेलेबल होते हैं। सही है, हार्ड गिरी है, इनालिल्लाहि वा इनालिहि राजिऊन, हार्ड हमारी गई, चले खैर है वो देख लेंगे, ये वीडियो में ना भाई अख्तर भाई ने हार्ड गिरा दी है, कोई मसला नहीं है, गिर जाती है। अच्छा नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट कह रहा हूँ, हम करने जा रहे थे, हम लैपटॉप टेस्ट करना बताने लगे, टेस्ट करने जा रहे थे। तो सबसे पहले तो लैपटॉप टेस्ट करने के लिए ना स्क्रीन टेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, ईजिएस्ट वे है कि आप स्क्रीन वगैरह टेस्ट कर लें और चीज़ें टेस्ट करना शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास अभी कोई यूएसबी नहीं है, कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन सर्च कर लेंगे, अब ये चेक कर सकते हैं, हम इधर वेबसाइट पे चले जाते हैं, एक है हमारा आइजो, EIZO, ठीक है जी, आइजो है वेबसाइट, हाँ आइजो मॉनिटर टेस्ट, ठीक है जी, मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लूँ, इस पर इंटरनेट नॉट कनेक्टेड आ रहा है, चल ही रहा इंटरनेट वैसे है ना, थिंक सो, इधर इधर इसका ले सर्च, ठीक है एक मिनट, इस वाले पे मैंने वैसे पहले सर्च किया हुआ, तो ये आप वेबसाइट देख सकते हैं EIZO.BE, आइजो मॉनिटर टेस्ट है, ये स्क्रीन टेस्टिंग के लिए टूल अवेलेबल है, ईजिली आप इस पर स्क्रीन टेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो इस पर कर लें, चाहे तो एक और इजी तरीका भी है बल्कि मेरे पास,
आप CMD कमांड प्रॉम्प्ट है, CMD टाइप करें, ठीक है, और इसको आप एंटर कर लें और CMD टाइप करके आपने इसको फुल स्क्रीन कर लेना यहाँ से। तो जब आप इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे ना, टच स्क्रीन है तो वो साफ करते बैक हो गया। ये देखें, ये ब्लैक स्क्रीन टेस्ट है। आपने पहले काली स्क्रीन करके चेक करें यहाँ स्क्रीन में कोई दाग धब्बा, कोई एक्स्ट्रा काले के अलावा कोई और कलर तो नहीं नज़र आ रहा, ठीक हो गया। सबसे पहले तो आप काले कलर का टेस्ट कर लें और इसी तरह से CMD के ऊपर आपको ब्लैक पेज नज़र आ जाता है। और अगर आप नोट पैड ओपन कर लेना, तो नोट पैड ओपन करने से देसी तरीका भाई, देसी तरीका वाइट पेज हो जाता है, ठीक है। तो चिट्टे पे देख लें कोई काला दाग या किसी और कलर का दाग तो नहीं नजर आ रही है, काले पे देख लेंगे कोई और कलर का दाग। अगर ये दोनों कलर टेस्ट पास है ना, तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन ओके है, ठीक है। सिंपल स्क्रीन टेस्ट इस तरह से हो जाती है। और अगर कोई प्रोफेशनल लेवल पे चेक करना चाहे तो यार ये ऑनलाइन चेक कर लें, वेबसाइट अगर आपके पास वहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है ना, तो फिर आप ये देखें ISO मॉनिटर टेस्ट है। अब ये लिख के सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा और इस टेस्ट को जस्ट आपने स्टार्ट कर लेना। यहाँ पे इन्होंने लिखा होता है कि क्या चीज़ टेस्ट करनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, डिटेल लिखी होगी। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ चेक करनी होती है वो कलर चेक करना होता है, क्योंकि ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी हैं जिनकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये ब्लैक स्क्रीन डेड पिक्सल टेस्ट, ये देखें डिफेक्टेड पिक्सल टेस्ट ऑन ब्लैक कलर चेक करने का कह रहे हैं। इसी तरह से डिफेक्टेड पिक्सल टेस्ट ऑन वाइट कलर, ये टेस्ट हमने दो किए हैं अभी ना वाइट और ब्लैक करके, क्या स्क्रीन में कोई दाग वगैरह ना हो। और इसी तरह से रेड कलर, ग्रीन कलर, और इसमें एक्स्ट्रा कलर्स का ऑप्शन है, ब्लू कलर्स एंड ग्रे कलर्स। तो ये कलर हैं, बाकी आगे टेक्स्ट वगैरह कलर शेडिंग है, आप टेक्स्ट वगैरह देख सकते हैं कि टेक्स्ट कितना शार्प है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम टेक्स्ट बड़ा छोटा करके देख सकते हैं कि स्क्रीन की शार्पनेस क्या है, बिल्कुल सही। तो ये बाकी टेस्ट हो रहे हैं, आपसे ये पाँच कलर का टेस्ट कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन टेस्ट पास हो जाता है, ठीक हो गया। ये इजिएस्ट वे है स्क्रीन टेस्ट करने का। अब इस स्क्रीन टेस्ट को हमने टेस्ट कर लिया। सेकंड टेस्ट है हमारा कीबोर्ड टेस्ट, एन की टेस्ट आर यू, ठीक है, ठीक है। ये वेबसाइट है, मैं जो बटन प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं वो शो हो रहा है वन बाय वन, तसल्ली से सारे बटन को चेक करना कि कोई बटन इसमें से मिस ना हो जाए, ठीक है। मतलब आप ये देखें इजीली आप इसको ऐसे करेंगे, ये बटन प्रेस करते हैं शो होता है, ये प्रेस करते हैं जो बटन प्रेस करेंगे वो शो हो जाता है। तो ये ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट है, ये नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, कीबोर्ड आपका इजीली टेस्ट हो जाता है। जब आपने स्क्रीन और कीबोर्ड दोनों चीज़ें टेस्ट कर ली हैं, अगर आपका लैपटॉप टच वाला है तो टच को भी चेक करने का वही रेगुलर तरीका जो आप एंड्रॉयड फ़ोन में चेक करते हैं, किसी आइकन को पकड़ा, पूरी स्क्रीन पे ड्रैग किया, ठीक है, स्क्रीन टेस्ट इजीली हो जाती है टच भी इसी तरह से। बाकी आप इसका जो है ट्रैक पर टेस्ट कर लेना, ट्रैक पर टेस्ट करने का भी बड़ा सिंपल तरीका है। लोग कहते हैं बटन टेस्ट करने का मौका नहीं मिला, यार ये देखो किसी भी लैपटॉप के डेस्कटॉप पे आओ, ये हमने राइट क्लिक का बटन क्लिक किया और ये ऊपर राइट क्लिक मेन्यू आ गया, इधर मैं रिफ्रेश पे आया हूँ और लेफ्ट क्लिक किया, अगर मैंने दोनों बटन क्लिक कर दिए दोनों चल गए तो मतलब लैपटॉप ट्रैकपैड ओके हो गया। अब ये तो इसके बटन हो गए ना, ट्रैकपैड को टेस्ट करने का सिंपल तरीका ये है कि आप ये देखें ये पूरे ट्रैकपैड पे इस तरह आप अपने फिंगर्स को स्वाइप कर लें और आप देख लें कर्सर जो है वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है जहाँ पर नहीं चला ट्रैकपैड का मसला, ठीक हो गया। ईजिएस्ट वे टू टेस्ट ट्रैकपैड। इसी तरह से आप इसका कैमरा चेक कर सकते हैं और ये मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, तो ये मैं आ गया हूँ गाइस मैं भी आ गया हूँ, चले हम दोनों इकट्ठे आ गए हैं। अब कह रहे हो जवाब में नहीं नजर आए, आ गए हैं आपको? नहीं, आ गए, आ गए हैं, लाइट है पीछे मेरे, काफी ज्यादा लाइट है यार, सही है। हाँ सही है कि ये रिजल्ट आ गया नजर आपको ना। तो ये हमारा जो सा है इससे मैं कैमरा टेस्ट हो जाता है, और अगर इसी कैमरे में मैं इधर वीडियो का बटन क्लिक करके ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ तो ऑफ कोर्स इसके जो ये फ्रंट पे दो माइक लगे हैं ये भी इजीली टेस्ट हो जाते हैं, आवाज रिकॉर्ड करके चेक कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसके अंदर माइक भी टेस्ट हो जाता है। और बाकी स्पेक्स टेस्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, अगर आपके पास विंडोज 7 है तो विंडोज 7 वगैरह में तो जो है आपको वही मैंने कहा था दिस कंप्यूटर को राइट क्लिक करके ओपन करना जी जी। लेकिन इसमें विंडोज 10, 8 और ऑनवर्ड वालों में कंट्रोल शिफ्ट एस्केप टास्क मैनेजर का शॉर्टकट है, इसमें आप परफॉर्मेंस में आ जाए, परफॉर्मेंस में सारी डिटेल आ रही होगी ईजिएस्ट वे। परफॉर्मेंस में देखें CPU आ रहा है i7 की 11th जनरेशन है जी जी, ऐसे ही परफॉर्मेंस में नीचे मेमोरी आ रही, मेमोरी स्टैंड फॉर रैम, और ये देखें ये इस जगह पे आपकी रैम लिखी आएगी, और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ तो इस जगह पे रैम के मेगाहर्ट्ज़ लिखे आएंगे, ये स्पीड जी जी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगी हुई है और 16 GB है। इसी तरह से नीचे तीसरे नंबर पे आ जाऊँ, ये देखें
डिस्क जीरो आ रहा, मैं डिस्क जीरो क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे NVMe लगी हुई है इंटेल कंपनी की, और अक्सर यहाँ पे मॉडल के नाम में साइज नहीं लिखा होता, जैसे इसके नाम में ये देखिए 256 लगा रहा है। अब हमें तो पता है कि ये 256 GB है जी जी, लेकिन अक्सर नहीं भी पता लगता, ना पता लगे कोई बात नहीं, आप इधर चेक कर लें कैपेसिटी पे। ठीक है ठीक है, कैपेसिटी बता देती है 256 में से 239 GB अवेलेबल होती है, 128 में से 119 GB अवेलेबल होती है, ठीक है, और 512 में से 477 GB अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये वही उसी तरह से है जैसे मेमोरी थोड़ी कम होती है ना, मेमोरी कम में कभी USB टाइप कम होती है तो उसमें से कम होती है, तो ये भी इसी तरह से, इसमें भी वेफर साइज छोटा होता है। तो बाकी हम चलते हैं ये SSD पे, तो ये देखें यहाँ पर टाइप लिखी आ रही है, अगर आपके वाले में टाइप नहीं लिखी आ रही है तो वैसे ही आपको वैसे स्पीड वगैरह से डिफरेंस तो वैसे पता लग ही जाता है, सही हो ना भी लगे तो आप जो सा है वो किसी सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू, जैसे क्रिस्टल डिस्क मार के एक सॉफ्टवेयर आता है उसके थ्रू आप इसको SSD को चेक कर सकते हैं, या हार्ड डिस्क सेंटिनल सॉफ्टवेयर कर लेंगे ना जी, जो कि बड़ा ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, तो उसके थ्रू भी आप इसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी लिखा रहता है कि SSD है या SSD है। ठीक, अच्छा बाकी हाँ ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है कि मेरे दिन से रह गया हेल्थ, मुझे याद आ गया फिर हेल्थ, मैं कहने लगा हाँ ये जवाब मैंने जिक्र किया तो याद आया कि हेल्थ क्या चीज़ है। हेल्थ क्या चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि SSD की हेल्थ नहीं है, मैंने आपको फिर डिस्टर्ब कर दिया क्या के ये भी कहते हैं कुछ लोग हेल्थ आपको कुछ इसका आंसर अपना भी नहीं बताएंगे, इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है भाई मेरे, ये देखो ये है हार्ड ड्राइव, 100% हेल्थ में है तो ले लो, ठीक है, 99% हेल्थ में है तो फेंक दो। अच्छा जी, इतना सिंपल आंसर है, क्योंकि अगर इसकी हेल्थ थोड़ी सी भी कम हो गई है तो इसका मतलब ये है कि ये यार ये खराब होने वाली है जल्दी, ये नहीं चलेगी, इसमें 99% हेल्थ भी नहीं चलती है। सही है, अब SSD की कुछ लोग कहते हैं SSD की हेल्थ नहीं है, ऑफ कोर्स कभी कभी मेरे पास कोई क्लाइंट बैठा हो ना जिसको समझाना मुश्किल हो, मैं भी कह देता हूँ भाई नहीं है SSD की हेल्थ नहीं है, हम भी ये कह देते हैं, लेकिन असल में SSD की भी हेल्थ होती है। सही है, SSD की हेल्थ बड़ी डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, हार्ड ड्राइव की हेल्थ तो इसके मीडिया बेस पे ना, इसके अंदर डिस्क लगे डिस्क रोटेट करती है, वक्त के साथ डिस्क पे स्क्रैचेज आ जाते हैं जो कि पड़ जाते हैं ना, स्क्रैच है ना इसके ऊपर, एक बारीक सी नीडल से डेटा रीड एंड राइट होना, तो इसका जो सा डेटा है वो इजीली रीड भी हो जाता है राइट भी हो जाता है, और वक्त के साथ अगर इसकी हेल्थ थोड़ी डाउन होगी तो ये बड़ी जल्दी डाउन होती है। सही, और ये समझो ख़राब हो जाती है, स्पीड की भी स्लो हो जाती है अगर इस पर कोई हेल्थ कम हो जाए। SSD के सिनेरियो में हेल्थ कम होने से स्पीड का फ़र्क नहीं पड़ता भाई, सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, आप 100 हेल्थ वाली ले रहे हैं ना तो आपकी ऑफ कोर्स SSD 100% गुड है, ठीक है, और अगर आप इसमें से लेट से 25% हेल्थ वाली SSD ले रहे हैं, मैं काफ़ी डाउन हेल्थ की बात कर रहा हूँ इस वक्त, 25% जो कि बड़ी कम होती है, लेकिन अगर आपका 25% हेल्थ वाली SSD है, मैं आपको स्टेट फार्म बता रहा हूँ, 25% हेल्थ वाली SSD को मैं दिन रात 24 घंटे नॉन स्टॉप 2.5 साल के लिए नॉन स्टॉप चला सकता हूँ। 25 घंटे नहीं, 25 घंटे तो नहीं, 24 घंटे होते हैं, 25% हेल्थ की बात हो रही है, 25% हेल्थ पे 24 घंटे चलाए, 24 घंटे नॉन स्टॉप, जिसमें मैं डेटा रीड भी कर रहा हूँ और डेटा राइट भी कर रहा हूँ, ये नहीं कि लैपटॉप मैंने ऑन करके छोड़ दिया ना, लैपटॉप को कंटिन्यूसली एक्सटेंसिव लोड पे SSD के डाला हुआ है। क्या बात है, ये इतनी अच्छी हेल्थ होती है, सही ठीक है, लोग बिना वजह हेल्थ की टेंशन ले रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ SSD में ना चिप्स लगी हैं, जैसे आप मैं ये साटा वाली तो नहीं, ये वाली उठा कर दिखाता हूँ, तो देखें भाई ये इस SSD का कंट्रोलर है, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये एक और ये दो इसकी स्टोरेज चिप्स हैं, डेटा इन्हीं पे स्टोर है, सही, इसका तो कोई मूविंग पार्ट नहीं है भाई, तो ये जो उनसे है वक्त के साथ स्लो नहीं हो सकता, सही, लेकिन इसकी एक रीड एंड राइट की कैपेसिटी होती है कि यार इतनी बार रीड और इतनी बार राइट हो सकता है, उसी की बेस पे एस्टिमेशन हेल्थ ली जाती है। सही है, अब हार्ड डिस्क सेंटिनल सॉफ्टवेयर है ना, वो हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए बना, हार्ड डिस्क सेंटिनल सॉफ्टवेयर पे आप SSD को नहीं चेक कर पाएंगे। सही, उसका रीज़न ये है कि उसने क्या करना है, इस SSD को ऑन हुए यार 2 साल हो गए, उस पर एस्टिमेशन इसकी हेल्थ निकाल देगा, इसके यूजेज पे इसकी एस्टिमेशन हेल्थ नहीं निकालेगा। सही, हार्ड डिस्क सेंटर वो है, तो इसके लिए क्रिस्टल डिस्क इन्फो नाम का सॉफ्टवेयर होता है, क्रिस्टल डिस्क इन्फो, आप उसके थ्रू SSD को चेक कर सकते हैं हेल्थ वगैरह को। वैसे हार्ड डिस्क सेंटर भी हेल्थ सही शो करता है, हेल्थ गलत शो नहीं करता, लेकिन मोस्ट के सिनेरियो में इसमें फ़र्क निकल आता है कि वो कहता है यार ये SSD जो चीज़ है ये ख़राब है, क्रिस्टल डिस्क सेंटर वो आपको एक्चुअल SSD, क्योंकि वो सिर्फ बना ही SSD के लिए, वो आपको एक्चुअल SSD का ही पता है। क्रिस्टल डिस्क इन्फो
यार इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है यार, ऐसा चीज चल रही है तो जिंदा है, नहीं चल रही है तो मुर्दा है, मर्दा भाई। इतने लंबे चक्कर में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी बता दिए कि एसएससी जो है वो बड़ी लंबी हेल्थ के साथ होती है, 25% भी हो तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। हाँ, जो से स्टूडेंट हमारे डेटा साइंस के, डेटा साइंस, हाँ डेटा साइंस वाले का काम क्या होता है कि उन्होंने डेटा नेट से फेच करना होता है, सही है, और उसमें एक डेटा को फेच करने के लिए उनको काफी ज्यादा डेटा फेच करना पड़ता है, ठीक है। लेट से 1% का डेटा उन्होंने निकाला ना डेटा साइंस में, या साइबर क्राइम वाले देख लें, अगर 1% की उन्होंने डिटेल निकालनी है कि यार ये बंदा, इसको नेट पे मैंने सर्च करना है, या नेट पे नहीं सर्च करते, उन्होंने तो अपने रिकॉर्ड में सर्च करना था, यार मिलियंस ऑफ यूजर अपने डेटाबेस में, हाँ अपने डेटाबेस में जब उन्होंने निकालना था तो वो उसके लिए काफ़ी हैवी प्रोसेसर चाहिए होता है, और दूसरा वो बड़ा डेटा जो सा है वो एज अ कैशे आपके लैपटॉप में फटाफट स्टोर होकर डिस्कार्ड हो रहा होता है, सही सही। तो डेटा साइंस वालों को जो सा है वो उनको चाहिए कि हाँ वो मैक्सिमम हेल्थ गेन करे, 100% हो, 90% हो, 90% प्लस ही चाहे बोले, सही सही, ठीक है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने ये जो सी एस एस ये है ना वो 3-4 साल में पी लेनी है। बाकी जो सा एक एवरेज यूजर है ना वो 25% हेल्थ वाली एस एस जी को भी 10-12 साल में नहीं पी सकता भाई, ठीक है, एवरेज यूजर की हम बात कर रहे हैं। तो जो सी एस एस जी है ये इस तरह की चीज़ है, तो ये हमारी एस एस जी की हेल्थ थी। अब लैपटॉप आगे टेस्टिंग में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी, जिसको हमने दरमियान में वो हेल्थ वाले मामले पे आ गए थे, हाँ हेल्थ वाले मामले पे आ गए थे। तो ये हमारी इंटेल की एसएसडी आ गई है, इसी में हम नीचे चलते हैं, तो वाईफाई आ रहा है, वाईफाई कनेक्टेड होता है, वाईफाई शो हो रहा होगा, और इसी के नीचे जीपीयू 0 लिखा है, ठीक है। अच्छा वैसे ये डिस्क 0 लिखा आ रहा है, अगर आपके लैपटॉप में मल्टीपल एसएसडी लगी है, मल्टीपल हार्ड ड्राइव लगी है, तो डिस्क 1 डिस्क 2 नीचे इसी तरह शो हो गई, और सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक हो गया, ठीक है। और इसी तरह जीपीयू 0 है, और अगर नीचे जीपीयू 1 लिखा आ रहा है तो जीपीयू 1 जो सा है वो डेडिकेटेड होता है, डेडिकेटेड जीपीयू, ठीक है। और इंटेल बेस्ड प्रोसेसर में जो सा है जीपीयू 0 ही जो सा है ना, क्योंकि इंटेल बेस्ड प्रोसेसर में शेयर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ डेडिकेटेड जीपीयू होता है, तो उसमें डेडिकेटेड जीपीयू लगा होता है, लेकिन अक्सर उनका जो सा है एक प्रोसेसर बेस्ड जीपीयू भी होता है जो प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन है, उसके अलावा एक और डेडिकेटेड जीपीयू लगा रहा था, उसमें भी जीपीयू 1 जीपीयू 2 आ रहा था। इंटेल वाले के दोनों को आप डेडिकेटेड काउंट कर सकते हैं, लेकिन इंटेल वाले नहीं, एएमडी वाले, जो शेड वाला होता है।